लेकिन सुई वाली घड़ी, स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो कभी कभी हो गया, लेकिन हमेशा आपकी कलाई में सोते टाइम पे निकाल देना, सुई वाली घड़ी होनी चाहिए। वे भागा वो आज 10 रुपए। जब हम एक चीज से दूसरी चीज की ज्ञान वृद्धि नहीं करेंगे, मार्केट आपको धोखा देती रहेगी और कुछ लोग आएंगे। का मोल नहीं होता। वही चीजें तब आपको याद आएगी जब अपने हाथों से आप रोटी खाना कुछ बनाओगे, तो वो चीजें तब आपको याद आएगी, यार वो चीज सही थी, घर पे ही रह के कुछ चीज सीख लेता मैं। जूद होता है। अगर आज मैं किसी की कुछ चीजों को कुछ कहूंगा तो मैं समझदारी से कहूंगा, वो मैंने परखी भी होंगी, आज मैं उस मुकाम पर हूँ, कुछ लोगों को वो समझा सकता हूँ। ये पसंद है, मैं वो सिंपल सिंपल करूँ ना, मेरे घर वाले मुझे छेड़ रहे हैं, ना मेरी वाइफ कह रही क्यों खा रहे हो ये, कुछ और ही खा लो। तो जो हमें पसंद होता है हमें वो करना चाहिए। मैं कल तक ऐसा होगा कि कोई मुझे कमेंट करेगा, आप में से ही उनके कमेंट में आप उनका जवाब दोगे। और हो रहा है ऐसा कि जो हम एक एनालाइज कर रहे हैं, ये बच्चों वाली एनालाइज नहीं है, और मेरी एनालाइज को समझने के लिए आपको बड़ा तो बनना पड़ेगा। भले हमारी उम्र कम है, भले हमारी उम्र बहुत ज्यादा है, पर असली बड़ा हमें समझ कर ही बनना पड़ेगा ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर यस बैंक की, इन्फीबीम की नई रणनीति क्या है, और इन्फीबीम और यस बैंक की तुलना करेंगे, क्योंकि किसी ने मुझे सुबह कॉल किया था, सर इन्फीबीम से तो ज़्यादा मार्केट कैप यस बैंक की है। तो मैंने कहा सर आपको ये वीडियो बना के समझा दूंगा, है ना। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब हम समझने में काम करने लग जाते हैं तो उसमें टाइम नहीं देखा जाता, पर कुछ लोग जो कहते हैं लंबी वीडियो, तो मैंने आपके लिए समाधान निकाला तो है भाई डीप सर्च 6 में। और जिनको लोगों को भाषण ज्ञानी बाबा ये चीज़ें लगती हैं, तो कल जिन जिन में मैंने वीडियो बनाई, वैसे भी मैं बनाते रहता हूँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पे, तो उसके अंदर की आज तेजी की चीज़ें आपको देखने को मिली, तो उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बात करेंगे प्राकृतिक गैस LNG से किन किन शेयरों में किस वजह से फर्क आगे इस साल कह रहा हूँ पड़ सकता है, उसके बारे में भी हम एक नज़र रखेंगे, क्योंकि समझने वाली चीज़ों को ही समझकर वर्क करने में ज़्यादा मज़ा आता है। दूसरा हम बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट की, क्योंकि इसके सह संस्थापक सुभाष चंद्रा जी, जो इसने नींव रखी थी एसएल ग्रुप की, उन्होंने एक अच्छा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी को 26% तक बढ़ा लेंगे। इसकी साइकोलॉजी आज हम फिर पकड़ेंगे और इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो इन सब की बात करने से पहले, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने कहा है कि मार्केट का रुख एक वजह से बदलने की स्थितियों में है, वो है पलटी जो नीतीश कुमार जी ने BJP में मार दी है, उसके अंदर से मार्केट के व्यू हमें रंगीनता की ओर देखने को आज मिलेंगे। पर आज की मार्केट गिरावट की ओर होनी थी, पर मैंने कहा ना कि कुछ भी चीज़ें पासे से पलट देती है, पर ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको रात वाली वीडियो में दे दी थी, और कल की वीडियो मैंने आपके लिए करीब 1 से 2 बजे के बीच में बनाई थी, और उसके बनाने के बाद उसे जल्दी कल अपलोड भी किया था। कल मुझे शादी में जाना था, कल मैंने 7 सवा 7 बजे करीब उसे अपलोड भी कर दिया, और मेरे पास किसी का सुबह एक मैसेज आया जिसके अंदर जी बिजनेस के जो अनिल सिंघवी जी हैं उन्होंने भी जिक्र किया इसका, कि भाई जो ये चीज़ें हुई हैं नीतीश कुमार जी, एक और जो पाला हमारे हाथों में आ गया है, BJP के हाथों में आ गया मान लो, तो वो एक 2024 की रणनीति बनाएगा। तो यहाँ पर ये बिहार का अपने काबू में आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसे कुछ लोग नहीं समझेंगे, फिर भी मैंने दोनों चैनल पे आपको ये चीज़ें बताई थी। उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश राजस्थान दो जो उन्होंने और चीज़ें बताई हैं, जिस तरीके से चुनाव हुए थे वहाँ भी रणनीति अच्छी बनी थी, एक चीज़ और आ गई है। तो आपको समझ में आया कि जो हम एक एनालाइज कर रहे हैं ये बच्चों वाली एनालाइज नहीं है, और मेरी एनालाइज को समझने के लिए आपको बड़ा तो बनना पड़ेगा। भले हमारी उम्र कम है, भले हमारी उम्र बहुत ज़्यादा है, पर असली बड़ा हमें समझ कर ही बनना पड़ेगा ना। क्योंकि कल एक व्यक्ति ने, मैं फिर कहोगे सर निगेटिव की चीज़ें क्यों बोलते हो, देखो सर कुछ लोग निगेटिव मुझे और दृढ़ करते हैं ताकि मैं सटीकता तक एनालाइज कर सकूं। एक को कल मेरी वीडियो भाषण लगी, उनको बायोगैस के बारे में समझ में ही नहीं आया, उनको मैंने इतनी अच्छी BPCL HPCL IOC बिल्कुल थंबनेल में भी लिखा हुआ है,
वीडियो के अंदर भी लिखा हुआ है IOC, BPCL, HPCL। कुछ लोगों को पका पकाया खाना चाहिए। देखो सर, जब कोई भी व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, जो अपने घर से दूर जाकर काम कर रहा है, उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाने की एक प्रॉब्लम है, अधिकतर वो बाहर से खाते होंगे या खुद बनाते होंगे, तो तब पता लगता है कि जब हम घर पे होते हैं तो वो चीज़ें जब हमें माँ बाप खिलाते हैं तो उसका मोल नहीं होता। वही चीज़ें तब आपको याद आएगी जब अपने हाथों से आप रोटी खाना कुछ बनाओगे, तो वो चीज़ें तब आपको याद आएगी, यार वो चीज़ सही थी, घर पे ही रह के कुछ चीज़ सीख लेता मैं। क्यों बता रहा हूँ ये? लोगों को ऐसी ऐसी वीडियो देखनी है जो शाम को टारगेट सुबह को अचीव हो जाए। मैं कह रहा हूँ, जो ऐसा व्यक्ति इस चक्रों में रहेगा, उसे तो मेरी वीडियो भाषा नहीं लगेगी। उनको अपनी बुद्धि को उन्होंने ऐसा कर लिया है कि जितनी बुद्धि उनकी थी और डूब गई दूसरे की टारगेट में। एनालाइज को पढ़ने की चीज़ें बनाओ। आज आप मेरी वीडियो देखकर एनालाइज कर रहे हैं, कल तक ऐसा होगा कि कोई मुझे कमेंट करेगा, आप में से ही उनके कमेंट में आप उनका जवाब दोगे। और हो रहा है ऐसा मेरी वीडियो में जो कमेंट आते हैं, जो नए लोग होते हैं जिनको अभी साइकोलॉजी समझ नहीं आ रही है, वो कमेंट करते हैं तो मेरी वीडियो में हमारी फैमिली के मेंबर यानी सब्सक्राइबर उनको कमेंट कर देते हैं मेरे से पहले ही कि यहाँ तक होल्ड कर लो। यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको साइकोलॉजी समझ में आ गई है। तो मेरा एक मकसद ये नहीं है कि मैं आपको टारगेट दे दूं, आप वो सुन के उसे काम पे लग जाओ, जी बस हो गया काम। नहीं, अरे समझ तो लो, मैं बायोगैस के ऊपर क्या क्या बोल के गया हूं आपको। समझने की रणनीति चीजों के अनुसार आएंगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो तभी पता लगेगा भाई, जब वो कुछ लोगों को ब्लॉक किया जाएगा, फिर वो ढूंढते फिरेंगे दूसरों के टारगेट में, फिर अपने लॉस को देखते रहेंगे। हम तो यहाँ कितनी अच्छी बात बता रहे हैं आपको। प्रॉफिट आ रहा है, थोड़ा प्रॉफिट देख लो। अच्छे शेयरों को साथ हमेशा रखो, चाहे उसमें से सेल भी करो। पैनी स्टॉक की तरफ 5-2% देखो, अच्छे शेयर आपको और अच्छा कर जाएंगे, पैनी स्टॉक आपके साल बर्बाद कर जाएंगे। ये चीज़ें आपको कोई और दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी, बल्कि कुछ और चैनल ये कहेंगे कि मेरे पास भी पैनी स्टॉक है, आप भी खरीदो, मेरा पोर्टफोलियो पैनी स्टॉक का है, आप भी देखो। उलझना नहीं है इन चीज़ों में, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको फिर अपना समझ के कह रहा हूँ, पैनी स्टॉक पे 5-2% और अच्छे शेयरों में अच्छी चीज़ों के साथ बहुत आगे की तरफ बढ़ना है। ONGC 252 के टारगेट दिखा दिए उसने आज, 200 रुपये से नीचे की वीडियो बनाई है उसके ऊपर मैंने। NTPC के ऊपर कल एक साइकोलॉजी बताई थी कि TSDC जो ग्रीन हाइड्रोजन में इतना बड़ा, सबसे बड़ा काम कर रहा है, उसका सीधा सीधा किसको फर्क फायदा होगा? NTPC को होगा। कितने रुपए भागा हुआ आज? 10 रुपए। जब हम एक चीज से दूसरी चीज की ज्ञान वृद्धि नहीं करेंगे, मार्केट आपको धोखा देती रहेगी। और कुछ लोग आएंगे, टारगेट बता दो, मैं कह रहा हूँ देखना बंद कर दो ऐसी वीडियो जहां पर आपको टारगेट की चीजें लालसा हो, जो आपको मैं कहूँगा निकम्मा कर रही है बस। जो ऐसे व्यक्ति हैं ना जो उल्टे कमेंट करते हैं, वो निकम्मे हैं, उनको सिर्फ पका पकाया खाना चाहिए। जब वो घर से बाहर निकल के, देखो सर एक वजूद होता है, अगर आज मैं किसी की कुछ चीज़ों को कुछ कहूँगा तो मैं समझदारी से कहूँगा, वो मैंने परखी भी होंगी, आज मैं उस मुकाम पर हूँ, कुछ लोगों को वो समझा सकता हूँ, पर मैं अपने से बड़े लोगों को वो चीज़ें नहीं समझा सकता जिस चीज़ों को मैंने करा ही नहीं है। तो जब कमेंट आप करते हो, कुछ लोग करते हैं, पहले देखें आपने अचीव किया अपनी ज़िंदगी में क्या है। क्या आपने शेयर मार्केट से काफ़ी पैसा कमा लिया? क्या आपने लाइफ में आपने बहुत सारे काम कर रखे हैं, है ना? तो आप मुझे सोचते हो कि मेरी वीडियो बनाने का काम है, मेरे और भी काम है। तो उन सब चीज़ों को मैंने अचीव किया हुआ है, अपने पैरों पर खड़ा हूँ मैं, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये नहीं मैं डिपेंड हूँ सिर्फ मार्केट पे, आपको फिर बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हमें अपने साथ। आज तक आपने देखा, मैंने आज तक आपको ये कहा कि आपको शेयर मार्केट में सारा दिमाग लगाना चाहिए, मैंने कहा है कि आपको अपने पहले काम पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तो ये चीज़ें समझो, ऐसी चीज़ें कोई नहीं बताएगा, और लालच को कंट्रोल करके चलो। ये भाषण नहीं है, बड़ी समझदारी का काम है। कल की IOC, BPCL, HPCL की वैल्यू देख लो, ONGC की मेरी वैल्यू देख लो, NTPC की वैल्यू देख लो,
इन्फीबीम की वैल्यू देख लो, एनएचपीसी की वैल्यू देख लो, कौन से शेयर ऐसे हैं जिसकी रणनीति हम सब बैठ के कर रहे हैं वो धोखा दे रहे हैं, है ना। तो हमें संभल कर रहना है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी हैं, बजट आ रहा है, बजट आ रहा है, बजट के पीछे में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। उससे पहले गिरावट हो सकती है क्योंकि एक पहले हो चुकी है, लेकिन मैं लग रहा है मुझे एक और हो जाए तो अच्छा ही हो जाएगा, हमें और मौका मिल जाएगा। पर मैंने आपको बता रखा है जो FIs इतनी ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं, क्या वो मौके की तलाश कर रहे हैं? क्या वो बजट की तलाश कर रहे हैं कि उसमें वो खरीदेंगे? क्या फिर वो इलेक्शन से पहले कुछ दिनों पहले अपनी पोजीशन को, फिर इलेक्शन में जो जीत हासिल होंगी उसका मजा लेने की वो तैयारी अभी फ़िलहाल वो निकाल के कर रहे हैं? जिसकी साइकोलॉजी अपने माइंड के अंदर अंदर नहीं बनेगी वो आगे जाकर कामयाब नहीं होगा। बातों को समझो। मैं कह रहा हूँ आज की गिरावट होनी थी पर ये बिहार की चीज़ों के साथ हुआ है, ये चीज़ें मैंने आपको कल बताई है। हो सकता है हमारे पास एक और गिरावट के, हमें थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत तो पहले कह रहा हूँ, नहीं होए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसके दिमाग लगा के चलना है और एक बड़ी चीज़ों के साथ हमें निकलना है। तो हमें अच्छे अच्छे शेयरों का सिलेक्शन करके चलना है। देखो सर, एक न्यूज़ निकल कर आई है और ये न्यूज़ मुझे लग रही है कि प्राकृतिक गैस जैसे शेयरों में अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। अगर हम 2022 के आंकड़े LNG के यानी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की चीज़ों के साथ देखें तो 7% की गिरावट थी। फिर हम 2023 जो अभी गया है उसके अंदर अगर हम क्षमता देखें, आपूर्ति की चीज़ें देखें, तो वो 5% की बढ़त हुई थी। अब एनालाइज करने वाली संस्थान कह रही है कि इसके अंदर LNG में जिस तरीके से उर्वरक इकाइयाँ जो खाद्य जो कृषि के चीज़ें बनाती हैं, खाद्य चीज़ें बनाती हैं, खाद खुद बनाती हैं, वैसी जो कंपनियां होती हैं उनको ज़रूरत है LNG की, प्राकृतिक गैस की, उन उद्योग में और बड़े बड़े उद्योगों में इसकी ज़रूरत है और बिजली के उत्पादन में भी इसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। तो उसे देखते हुए अब 2024 में 6% की वृद्धि होनी उन्होंने अनुमान लगा रखा है। किसने अनुमान लगा रखा है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट है कि 7% की गिरावट 2022 में आई, 23 में 5% की हमने बढ़त की है LNG के ऊपर, और अब 2024 में वो कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी कह रही है कि 6% LNG में यानी प्राकृतिक गैस में इन जो व्यापार मैंने आपको बताए हैं उसकी वजह से। तो आपको अब देखकर चलना है कि LNG की आपूर्ति अगर 6% बढ़ेगी तो उनके साथ साथ कौन कौन से शेयर आपके नज़रों में आ रहे हैं। देखो सर, पेट्रोनेट LNG, दूसरा आ रहा है गेल, और तीसरा आ रहा है जिसने तबा तोड़ा तेज़ी करी क्योंकि उसने समुंदर के अंदर अपनी बंगाल की जगह खाड़ी में जो अपने कुएं की एक चीज़ें देखी है और वो प्राकृतिक गैस में, वो कौन सा शेयर है? ONGC। तो इस न्यूज को अगर हम समझें तो ये प्राकृतिक गैस की तरफ हमारे दिमाग मोड़ रही है। तो वो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को न्यूज से ही निकालने पड़ते हैं। ऐसा नहीं लिखा होता किसी शेयरों के बारे में सीधा सीधा लिख के आएगा, और मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसके एनालाइज करनी पड़ती है। तो उस एनालाइज के थ्रू आपको वीडियो देखनी चाहिए। देखो सर, आप बोर हो रहे हैं तो मोबाइल बंद करो। कल मैं शादी में गया अपने बच्चों को लेकर, मेरे बच्चों ने कहा मुझे ये खाना है, मैंने खा ले भाई, भले वो आइसक्रीम खा रहे हो, उन्हें सर्दी जुकाम हो जाए, लेकिन मैं नहीं मना करता किसी बच्चों को, खाओ जो आपको खाना है। मेरी वाइफ ने कहा मुझे ये खाना है, है ना। अब मैं लेके बैठ गया कुछ ऐसी चीज़, मुझे तो चाय पसंद है, कुछ ऐसी चीज़ें पसंद है, मैं वो सिंपल खा रहा हूँ ना, मेरे घर वाले मुझे छेड़ रहे हैं ना, मेरी वाइफ कह रही क्यों खा रहे हो ये, कुछ और ही खा लो। तो जो हमें पसंद होता है हमें वो करना चाहिए। इसलिए जब आप किसी कुछ लोगों को वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो उनको देखना है, कमेंट नहीं करना है उनको, उनको चुपचाप मुझे ब्लॉक करना है, निकलना है। कमेंट करके तो वो अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, वो अपनी चीज़ों को इस तरह से निखार रहे हैं। देखो तो यहाँ स्मार्ट बन के बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा, मैं आपको बता दूँ, हम बड़े तेज नहीं बन सकते शेयर मार्केट में, हमारे से बड़े बड़े तेज बैठे हैं, है ना। जिनको टारगेट चीज़ें चाहिए वो यहाँ नहीं मिलेगी, जिनको जैसे LNG की मैंने आपको अभी ये समझा रहा हूँ, किसको समझ में आ रहा है, 2024 के व्यू बना रहा हूँ आपको मैं, गेल, पेट्रोनेट और ONGC में, है ना। तो ये चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, तो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। दूसरे, आज मेरी घड़ी
बच्चे ने मेरी तोड़ दी थी। तोड़ क्या दी थी, मैं रोज़ अपने बच्चे के साथ रात के टाइम 15 से 20 मिनट उसके साथ फ़ाइट करता हूँ, छोटे वाले के साथ। उसे आदत पड़ेगी फ़ाइट करने की, वो मारता रहता मैं पिटता रहता हूँ, अंत में उसकी मम्मी उसे जिता देती है तो उसे बहुत खुशी होती है। तो एक बार उसने मेरी घड़ी घड़ी खींच दी, घड़ी टूट गई थी और ये घड़ी मेरी बहुत फेवरेट है ना। तो आज ये घड़ी मैंने दे रखी थी, आज मैं इसको लेकर आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है घड़ी। और आपको भी कह रहा हूँ, घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए, लेकिन सुई वाली घड़ी। स्मार्ट वॉच पहनते हैं वो कभी कभी हो गया, लेकिन हमेशा आपकी कलाई में सोते टाइम पे निकाल देना, सुई वाली घड़ी होनी चाहिए। तो ये आपको समझ कर चलना है। तो घड़ी का भी शौक रखें, और जिस दिन आपको घड़ी पहनने से जो फ़ायदे होंगे आप मुझे 1-2 महीने बाद खुद बताओगे, सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, तो घड़ी पहनना शुरू कर दीजिए। तो ये घड़ी मेरी आ गई है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो मैं आपको बता रहा था LNG की चीज़ों के साथ आपको ये चीज़ें देख लेनी चाहिए। अब बात करेंगे जी इंटरटेनमेंट की, और वो इसलिए भी बात करेंगे, बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है कि सुभाष चंद्रा जी कह रहे हैं वो अपने परिवार की हिस्सेदारी जी इंटरटेनमेंट में 3.99% से करीब 4% से 26% करने की उन्होंने सलाह दी है। अब इस न्यूज़ को कौन पॉजिटिव और कौन लंबी पॉजिटिव की तरह देख रहा है, यानी कि एक तो पॉजिटिव होगा झटका वाला, और एक से पॉजिटिव देख रहे हैं लोग बहुत दूर के वाले। मुझे एक बात बताओ, अभी उनके पास 4% की हिस्सेदारी है ना, पब्लिक इसके अंदर 24.24% की है, गवर्नमेंट इसके अंदर 0.15% की है, FIs इसके अंदर 28.19% के हैं, DIs इसके अंदर 43.42% की है। जब इन सब का टोटल हम करते हैं तो वो 100% करीब का बैठ जाता है। अब वो 26% की हिस्सेदारी कैसे करेंगे, या तो फिर DI सेल करेंगे, या FI सेल करेंगे, या फिर हम और आप सेल करेंगे। क्या ही न्यूज है ये, कि न्यूज ये है कि अगर उनकी 26% की हिस्सेदारी होगी तो हम तीनों में से, यानी कि FI, DIs और पब्लिक के अंदर से कुछ बिकेगा तभी तो उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। अब 100 में से तो नहीं कि कुछ और जोड़ के इतनी हिस्सेदारी कर लेंगे, वो कब करेंगे, जब आगे जाकर इसके अंदर कुछ बढ़ावट के बाद फिर से गिरावट होनी शुरू होगी। क्यों होगी, समझने वाली बात है। सितंबर 2023 में जो पब्लिक थी 18.80% की थी, इस न्यूज से डील परचर मर्जर की न्यूज से पब्लिक हो गई है 24.24%। और अब जो ये चीजें आई हैं, जो डील सोनी के साथ नहीं हुई, मर्जर नहीं हुआ है, उसके बाद भी काफी पब्लिक इसके अंदर से निकली है। और अगर उनकी 4% से 26% होगी, या तो फिर FIs बेचें, DIs बेचें, या फिर हम और आप बेचेंगे। और हम और आप कब बेचते हैं, जब हमारे हाथों में ऐसी टेंशन आ जाती है कि हमारा जो लगा पैसा वो बर्बाद हो जाता है। पॉजिटिव न्यूज़ तो है ये, मेरी साइकोलॉजी कौन समझ रहा है वो कमेंट करना, क्योंकि साइकोलॉजी का गेम है शेयर मार्केट। ऐसा नहीं है पैसे लगा के पैसे कमाओगे भाई, बहुत सोचना पड़ता है यहाँ पर। ये तो फैक्ट है ना कि भाई 4 से 26 करेंगे तो कोई ना कोई बेचेगा, तभी तो करेंगे, वो एकदम तो करेंगे नहीं, इसको आराम आराम से करेंगे, दिल तोड़ तोड़ के हमारी चीज़ें सामने आएंगी। तो उस न्यूज को समझना ना, काफ़ी लोग इस न्यूज की वजह से एंट्री कर ली होगी लोगों ने, हो सकता है कल परसों में उजाले आ जाए। जैसे HDFC में मैंने कहा था LIC की चीज़ें, मैंने कहा था मंडे के दिन उजाले आ सकते हैं, आ गए। साइकोलॉजी जिस दिन समझोगे उस दिन मुझे समझ जाओगे आप, और जिस दिन मुझे समझ गए उस दिन खुद को समझ जाओगे, और जिस दिन खुद को समझ गए उस दिन आपके घर वाले आपको समझने शुरू कर देंगे, और जिस दिन आपके घर वाले आपको समझना शुरू कर गए आप अपने मोहल्ले में फेमस हो जाओगे, अपनी गलियों में फेमस हो जाओगे, अपने आसपास के वातावरण में फेमस हो जाओगे। क्यों हो जाओगे, क्योंकि आप एक परफेक्ट चीज़ के साथ एनालाइज करने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि किसी के कहने पर 50 पे 100 पे 30 पे जाएगा इस वजह से। तो आज की जी इंटरटेनमेंट की जो मैंने आज वीडियो बनाई है, ये क्या समझ में आई है मुझे भी एक बार आप समझाना। अब बात करेंगे यस बैंक और इन्फीबीम के बारे में। पहले यस बैंक के बारे में बात करेंगे। यस बैंक के रिजल्ट आने पर मैंने वीडियो बनाई, उसके अंदर 80% वो निगेटिव वीडियो थी निगेटिव वीडियो। 80% क्यों थी, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसका रिजल्ट आ गया, और कुछ लोग कहेंगे सर रिजल्ट का तो मजा लेने दो, क्यों मूड खराब कर रहे हो, याद है आपको,
किस किस को याद है ये चीज, ये जो हो जाता है ना उसके बाद बताता हूं मैं, लेकिन वो हो जाता है तब, वो मेरी बातों से होता है तब मैं आपको बताता हूं, ऐसे नहीं बताता मैं आपको। दोबारे वीडियो देख कर आना, उसके अंदर मैंने आपको कहा था इन बैंकों ने इस चीजों के साथ इस बैंक को समझ, आज यस बैंक प्रॉफिट कर रहा है, आज यस बैंक के अंदर इतने DIs हैं, आज यस बैंक उस मुकाम पर है कि वो लगातार प्रॉफिट प्रस्तुत करता जा रहा है, और आज यस बैंक के अंदर से वो सब निकल जाएं। देखो सर, जितने भी चीज़ें इसके अंदर इसको संभाल कर खंभे बैठे हैं, जो बैंक बैठे हैं, वो तभी तो ये प्रॉफिट कर रहा है, तभी तो ये खुल के चीज़ आगे तक कर रहा है, और अचानक से खंभे निकलते गए। मैं कह रहा हूँ ये लंबे समय का विषय बना दी ना लोगों ने आपकी वीडियो, छप्पर फाड़ देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। छप्पर फाड़ने वाली चीज़ों को भी समझने आना चाहिए हमें, जैसे इंफीबीम ने फाड़ दी छप्पर, पर हमने तो नहीं कहा ना इंफीबीम छप्पर फाड़ रहा है, NTPC फाड़ रहा है, हमने कभी नहीं कहा आपको वो चीज़ अलादीन का चिराग मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। परफेक्ट एनालाइज करके बता रहा हूँ मैं आपको, NTPC हो या ONGC हो, इंफीबीम हो, कोई सा भी शेयर हो, यहाँ से कुछ वीडियो से कुछ निकलेगा तो समझने वाली चीज़ों के साथ निकलेगा। यस बैंक की वीडियो दोबारे देख कर आना, उसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगा रखे थे, मूड खराब करने के लिए नहीं, आपको समझाने के लिए। और किसी व्यक्ति ने कहा सर यस बैंक फिर से भागेगा, मैं तो कहता ही नहीं कि गिरेगा भागेगा, मैं तो एनालाइज कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता भागेगा गिरेगा, हमने तो इसको लंबे समय के लिए रखा है, पॉजिटिव संकेतों के साथ है, फिर बता रहा हूँ लंबे समय के लिए, बातों को समझो। आज ये गिर गया तो वो जो रिजल्ट चीज़ थी ना वो धुंधली हो गई, समझने वाली बात है। देखो सर, किसी ने कहा कि इन्फीबीम तो इतनी छोटी मार्केट कैप है, इसका तो काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। देखो सर, छोटी मार्केट कैप यानी छोटी मार्केट कैप और बड़ी मार्केट कैप से फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ी मार्केट कैप और छोटी मार्केट सब फर्क पड़ता है दोनों के अंदर, बेहतर काम हो, अच्छे काम हो। यस बैंक के साथ कर्जा साथ लेकर चल रहा है, NPA के चीज़ें साथ लेकर चल रही हैं, बैंक इसको संभाल के साथ चल रहे हैं, तो ये आपको समझना है। बैंक जब कुछ चीज़ों के साथ आगे बढ़ेगा तो वो चीज़ें उसके साथ जुड़ती जाएंगी और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा भी होता जाता है। कितने इंडिया में इसकी ब्रांच है चारों तरफ, उसका खर्चा भी देखो फिर कितना कितना ज़्यादा ज़्यादा हो जाता है। पर अगर ये ग्रोथ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादा शेयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे तो तब जाकर ही बेटर होगा। मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, कल या शायद परसों बताई थी, हाँ इसी चीज़ में बताई थी, परसों बताई थी कि राम और शाम की एक कंपनी है, फिर से सुन लो, शाम वो वाली कंपनी है जो बहुत ऊपर से नीचे आई है, और राम वो कंपनी है जो नीचे से अपने को ग्रोथ कर रही है, और 3-4 क्वार्टर उन्हें प्रस्तुत किए हैं, अच्छे अच्छे करते जाएंगे। तो किस पर दिमाग लगाना है? राम पर लगाना है। तो वो स्थिति इन्फीबीम और यस बैंक में सटीक बैठ रही है, ये मैं आपको बता दूँ। इन्फीबीम की मार्केट कैप भले ही कम हो, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जिस क्षेत्र के लिए वो काम कर रहा है AI के क्षेत्र में, और उसके लिए उसे गुजरात की तरफ से, सरकार की तरफ से 2,000 करोड़ निवेश की चीज़ें मिली, एक ऐसी कंपनी को जिसका शेयर उस टाइम पर 25-26-27 चल रहा होगा, और उसको 2,000 करोड़ का इस तरीके का निवेश क्यों मिल रहा है? क्योंकि उसके अंदर वो काबिलियत है जो फ्रॉड की चीज़ों को ये पकड़ता है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर जो इसके AI के जो नए CEO आए हैं उनको एक दशक तक AI में महारत हासिल है, और आगे जाकर AI के थ्रू बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। और मैंने आगे जाकर आपको दो तुलना बताई थी, एक तो एक विप्रो और एक आपको इन्फीबीम, लगातार 4 वीडियो बनाई है मैंने आपको, उन चीज़ों को समझो। 2000 करोड़ का निवेश कम नहीं होता, ये आपको समझना है। गुजरात में AI हब बनने की चीज़ें, ये आपको समझना है। पर फिर भी बता रहा हूँ, अब ये शेयर आ गया नज़रों में, अब आगे की रणनीति क्या है, अब इसके अंदर ऑपरेटर की चीज़ें उतरेंगी, और वो आपके, बस वही कह रहा हूँ कि झोली से जो शेयर निकलेंगे अब गिरावट की ओर आगे जाकर, जैसे मतलब आगे हो सकती है, ऐसा तो नहीं लगातार भागेगा, ऐसा तो कोई शेयर नहीं होता, जब तक भाग रहा है भाग रहा है, ऐसा नहीं होता कि भाई बस थोड़ा सा गिर नीचे ही नहीं आ रहा है, लगातार ही कंटिन्यू भाग जा रहा है। हो सकता है कल परसों जब भी इसका पर सर्किट मारने का दिल करे इसे मारने, तो उसके बाद जब ये गिरावट करेगा तो वहाँ आपको समझना है कि अपने को ये चीज़ से समझाना है कि ये एक तो ये ऋण की चीज़ों के साथ होता है, अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा जो ऋण की चीज़ें निकलती हैं बैंकों के द्वारा, उसके लिए काम कर रहा है। और आपको ये भी समझना चाहिए यस बैंक से इन्फीबीम को ज़रूरत नहीं है, इन्फीबीम को बैंकों की ज़रूरत हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये AI पर उस फ्रॉड को रोकने के लिए भी काम करेगा जिस तरीके से इसने अपनी क्षमता को AI पर बढ़ाया। तो काम समझ में आ रहे हैं ना आपको यहां पर, और इसका फंडामेंटल कितना अच्छा है
वो समझने वाली बात होती है। तो मार्केट कैप और मार्केट कम से कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्लियरिटी आनी चाहिए। तो क्लियरिटी आ रही है इन्फीबीम में, पर हाँ ऐसा भी नहीं कि जिस कंपनी में क्लियरिटी बिल्कुल भरपूर है, अच्छी है, तो उसमें ऑपरेटर नहीं कूदेंगे। भाई ऑपरेटर कमाने के लिए तो होते हैं, वो आ जाएंगे बाद में कभी भी, और कभी भी शेयर को 1-2 रुपये गिरेंगे, फिर आप कहोगे सर ये तो शेयर गिर गया। और वो समाधान इसलिए होता है कि अगर हमारे पास 1000 शेयर हैं तो फिर 600 को लंबे समय के लिए ले जाओ आगे तक के लिए, अगर आपको काम समझ में आ रहा तो, है ना। बेचना खरीदना आपके ऊपर है। वैसे मैं तो यही करता हूँ सर, मैं तो 2 अकाउंट में रखता हूँ, मैंने आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसको अकाउंट खुलवाना है वो खुलवा सकता है सर, है ना। तो रणनीति तो यही बनेगी सर इसके अंदर ना, आगे जाकर आएंगे ऑपरेटर। देखो सर, कभी भी उस कंपनी का काम मत भूल जाना जिस कंपनी के अंदर ग्रोथ की चीज़ें लगी हुई हैं। अगर वो गिरावट आपको वो काम भुलवा रही है, मैं कह रहा हूँ बस मार्केट में काम नहीं करना हमें। मदर सन सुमी का अगर शेयर गिरावट की ओर हमें दिख जाए और हम उसके काम भूल जाएं, हमने फिर अच्छी तरह समझा ही नहीं उस चीज़ों को। तो इन्फीबीम और यस बैंक से फिलहाल तो इन्फीबीम ही जीत रहा है, ये नहीं जीत रहा है कि इसने आज 5 रुपये बढ़कर दिखा दिया। हमें तो पता ही नहीं था कि ये 5 रुपये भागेगा, हम तो इसकी वीडियो 14-15 रुपये से बना रहे हैं, हमें तो पता नहीं था यहाँ 34 भी पहुँच जाएगा, हमने तो सोचा ही नहीं इसको। हम तो उसे बहुत ऊपर की तरफ सोच रहे हैं, पर वो हमें कुछ सालों में देखने को मिलेगा। हमने तो नहीं कहा कि टारगेट ये है इसके, 34 भी मिल सकता है, 35 भी मिल सकता है, और विश्लेषकों ने इसके टारगेट दिए थे 27, 28, 29 के, हमने नहीं दिए थे। हम कोई टारगेट नहीं देते सर, मैं आपको बता दूँ, है ना। तो आज ये 34-35 में मिले तो क्या मैं इसके टारगेट वो अचीव कर रहा हूँ? नहीं, मैं तो उसके काम देख रहा हूँ सर। तो काम सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इन्फीबीम की रणनीतियाँ, उसके AI और उसके जो ऑनलाइन भुगतान होता है उसके अंदर, एक चीज़ मैंने और बताई थी कि जब गांव-गांव में जिस तरीके से शहरों में अभी ऋण दिए जाते हैं, फिर गांव-गांव की तरफ भी इस तरीके की चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर भी इन ऋण की चीज़ें इस तरीके की फिनटेक कंपनियों के द्वारा होंगी, वो भी आपको समझना चाहिए। AI एक छोटा काम नहीं है, और उसके लिए इसको एक बड़ा ऑर्डर जो 2000 करोड़ की चीज़ों के साथ, ये अपने आप में बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं मिलता इतना ऑर्डर 2000 करोड़ का, ये आप समझ लो। तो ये नहीं कह रहा उसको आपको रखना है, बेचना है कुछ वजूद के साथ, किसी शेयर को रखा जाता है ना, किसी चीज़ के अनुसार तो आप मेरी वीडियो देख रहे हो सर, कुछ चीज़ों के अनुसार तो मेरी वीडियो देख रहे हो। ऐसे तो नहीं वीडियो देखोगे आप मेरी, ऐसे तो मुझे ज्वाइन नहीं करोगे आप, ऐसे मेरे कहने में अकाउंट नहीं खुलवाओगे। इतने सारे अकाउंट मेरे लिंक से खुलते हैं, इतने सारे लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, तो ऐसे तो कोई मुझे करेगा नहीं। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, लेकिन आपको ही पता होगा क्योंकि आपने क्यों ज्वाइन करा भाई मुझे, आप मेरी वीडियो क्यों देखते हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा परखने वाली चीज़ें ऑडियंस की होती है, सब्सक्राइब करने वालों की होती है। जो बोल रहा है वो तो एनालाइज कर रहा है, अब उसकी एनालाइज कहाँ सटीक तक जा रही है वो तो देखने वाले ही बताएंगे ना भाई, अब मैं तो नहीं बता सकता इन चीज़ों को। तो इस चीज़ के साथ शेयर मार्केट के अंदर आपको आना चाहिए। तो इन्फीबीम पॉजिटिव संकेतों के साथ गिरावट हो जाएगी तो सोच लेना ऑपरेटर आपके हाथों की चीज़ों के साथ कुछ कर रहे हैं, वो चीज़ें समझना। आपको सिर्फ AI और कुछ चीज़ें अपने को सेव करके आगे बढ़ना है, कुछ प्रॉफिट लेकर फिर आगे की तरफ आपको अपनी चीज़ों के साथ आगे की तरफ देखना है। यस बैंक अगर गिरावट कर रहा है तो ये बेकार शेयर नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि कुछ चीज़ें इसके साथ निगेटिव है, वो तो कभी ना कभी खत्म ही हो जाएंगी और उसके बाद ये प्रगति की ओर जाएगा ही जाएगा। तो लंबे समय के लिए इसके अंदर अपनी चीज़ें बनानी चाहिए। LNG में अगर 6% का इस 2024 का लक्ष्य, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रणनीति है कि इस तरीके से LNG की आपूर्ति में 6% की ग्रोथ होगी, तो वहां पर पेट्रोनेट LNG और आपको गेल और ONGC की चीजें इस पूरे साल की कह रहा हूं रखने की चीजों के साथ अपने साथ में आनी चाहिए। और अच्छे शेयरों को सारे सेल मत करें, कुछ चीजों को साथ भी आपको रखने की चीजें को और ज़्यादा मजबूत करके जाती है। जी इंटरटेनमेंट अगर 4-26% की हिस्सेदारी होगी तो वो पूरी सीरीज मैंने आपको एक साइकोलॉजी की तरह समझाई है, इसे कौन कौन समझ रहा है, कौन कौन उस चीज़ को भाप रहा है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ और कमेंट में उस चीज़ों को बता देना। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अगर मैं आपको ज्ञान या भाषण दे रहा हूँ तो मेरे देखने वाले देख ही रहे हैं, और जो कमेंट कर रहे हैं भाई मुझे माफ़ कर दो, किसी और चैनल में जाकर आप ये चीज़ें लिख सकते हो, नहीं तो आप ब्लॉक कर सकते हो। तो चिट्टी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।